क्या होगा इसका अंजाम? भाई जान अलग होना चाह रहे, ये तो होना ही था। भाभी चंद दिनों से जो हरकतें कर रही हैं, वो बगैर मकसद के नहीं है। कतरा कतरा जहर उतेल रही हैं वो भाईजान के दिल में। और भाईजान के लहजे में इस जहर की कड़वाहट साफ महसूस हो रही है। तो क्या हम कुछ भी नहीं करेंगे? भाईजान को ऐसे अलग हो जाने दें? दीनू, भाईजान जिस फेज में है इस वक्त, वो ना किसी की सुनेंगे और ना ही मानेंगे। ठीक है शजान नकवी साहब, जितनी जल्दी हो सके प्लीज पेमेंट के बारे में मुझे जरूर बता दीजिएगा। ओके, फिर से मीटिंग चल रही है तीनों की, यकीनन मेरे बारे में ही बात हो रही होगी या फिर आपको डिस्कस कर रहे होंगे। हाँ फिर ये भी तो हो सकता है कि वो अपने बारे में कुछ बात कर रहे हो। तुम्हें नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप जाके खुद सुन लें। अम्मी को जब पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा? वो टूट जाएंगी। हाँ टूटेंगी जरूर, लेकिन बिखरेंगी नहीं, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा है भाईजान की सिचुएशन का। तभी तो अम्मी की नमाजें और दुआएं लंबी हो गई हैं। बस अल्लाह ताला खाला अम्मी की सारी दुआएं कबूल करे। आमीन। अबरार, तुम्हें ना महानूर का ख्याल रखने की जरूरत है। आफीन भाभी की इंटेंशन मैंने तुम्हें बता दी है। इस सिचुएशन को देखते हुए तो यही बेहतर लगता है कि अगर भाईजान भाभी को यहां से ले जाए तो ही बेहतर। अच्छा, मतलब मेरा जाना बेहतर है? मुझे तो लगा था कि मेरे जाने से तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, लेकिन शायद तुम लोग भी यही चाहते हो। नहीं भाईजान, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। बस रहने दो इकरार, तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मुझे कभी भी पूरी बात नहीं बताओगे, बल्कि अपनी पूरी बात को झूठ से कवर करोगे ताकि मुझे बुरा ना लगे। भाईजान ऐसा नहीं है, हम तो चाहते हैं कि सब साथ रहे। तुम्हारी चाहत अभी सुनी है मैंने अपने कानों से। चलो अच्छा ही हुआ, जो फैसला करने में मुझे मुश्किल हो रही थी अब मेरे लिए आसानी हो गई है। है साजिशी ये दुनिया हुई, है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं।